बड़ी खबर भी मुंबई से आ रही है। मुंबई में दंगाइयों पर उतरे हैं, दबंगई पर उतरे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। किरीट सोमैया के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, किरीट सोमैया के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। किरीट सोमैया के मुंह में कागज डाल दूंगा, ये कहा है संजय राउत ने। ज्यादा बोला सोमैया तो अंजाम बुरा होगा, संजय राउत का यह कहना है। राणा पर कार्रवाई तो सोमैया के पेट में दर्द क्यों? तो आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शिवसेना अक्सर क्यों करती है, और खासकर संजय राउत ऐसी भद्दी भाषा के में बात क्यों करते हैं? सियासत की इसी भद्दी जुबान पर अब से थोड़ी देर में शाम 4:50 पर देखिए हमारा खास शो शंखनाद। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमका कर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर, जो के जीतू नवलानी का है, जो ईओडब्ल्यू जांच कर रहे वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है। और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी या वाई प्लस सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो ही देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और दो पत्थर मारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनेगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा, जो देशद्रोही है, जो गुनेगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। तो संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, और पिछले दो दिनों से लगता है संजय राउत शब्दों की मर्यादा क्या होती है पूरी तरीके से भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सियासत में शुचिता नाम की भी एक चीज होती है। आपको दिखाते हैं कि पिछले दो दिनों के दौरान उन्होंने किस किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। 20 फीट नीचे दफना दूंगा ये कहा जाता है संजय राउत की ओर से। किरीट के मुंह में कागज डाल दूंगा, बीजेपी को शिखंडी का सहारा, ये भी संजय राउत ने कहा। रवि नवनीत अमरावती के बंटी बबली हैं, राणा सीग्रेट फिल्मों की कलाकार है, ये भी कहा। नवनीत राणा राजनीति के स्टंटबाज हैं, दो पत्थर मारे तो बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये भी संजय राउत की ओर से कहा गया। और इन तमाम ये जो उनके बयान है उनसे ये सवाल उठ रहा है कि क्या संजय राउत पिछले दो दिनों में भाषा की मर्यादा को भूल चुके हैं क्या? रोहित के पास बड़ी खबर है। रोहित, बिल्कुल, भाषा की मर्यादा को क्या संजय राउत भूल चुके हैं, ये सवाल तो लवीना आप उठा ही रही हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार पर किरीट सोमैया ने भी अब बड़ा हमला बोला है। नवनीत राणा मामले में बीजेपी शिवसेना में संग्राम है और ठाकरे की माफिया पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, ये कहना है किरीट सोमैया का। फर्जी साइन करके मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है, मेरी हत्या की साजिश रची गई, ये भी कह रहे हैं किरीट सोमैया। शिवसेना के 70 से 80 गुंडों ने मुझ पर हमला किया है, किरीट सोमैया का ये कहना है। इस प्रकार की गुंडागिरी ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस कर सकती है। जिस प्रकार से कल रात को 10:30 स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया, वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए कि मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया। मेरे बाया हाथ पे कांच पर दो पत्थर मारे गए, कांच टूट गया, मुझे थोड़ी सी यहां पर लगी, अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। कल भारतीय जनता पार्टी मुंबई का, प्रदेश का, महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाके केंद्र सरकार के गृह सचिव से मुलाकात करेगा।